इंग्लेंड युवक जयपुर थी बाइक लई दक्षिण भारत ना प्रवासे जता वेड़ाए प्रसिद्ध यात्रा धाम मुनाई खाते रोकाई गरम पानी थी हाथ पग धोई माताजी ना दर्शन करी आगनो प्रवास आरंभ्यो हतो। भारतीय संस्कृति तेमज भारतना विविध पर्यटन स्थल पर आफरीन बनेलो 35 वर्षीय इंग्लिश विमान पीटर पोल्स भारत में 4 वर्ष पहला आव्यो हतो अने ट्रेन बस नी मुसाफरी थी विविध स्थलों नी मुलाकात करी हती। भारतीय संस्कृति तेमज अहीना लोको थी घणो प्रभावित थयो हतो। त्यारबाद तेणे नक्की कर्यु के फरीथी भारत आवशे। 4 वर्ष बाद ते दिल्ली आवी राजस्थान ना जयपुर थी भारत नो भ्रमण करवा मोटरसाइकल नो उपयोग कर्यो हतो। जयपुर थी भाड़ानी मोटरसाइकल लई दक्षिण भारत ना प्रवासी निकळेलो पीटर बोल्स गुरुवारे यात्राधाम उनाई आवी पहोंचता स्थानिको मां भारे आकर्षण जमाव्यु हतु। स्थानिको पासे थी माहिती मेळवी पहला गरम पाणीना कुंड थी हाथ पग धोईने उनाई माताजीना दर्शन कर्या हता। त्यारबाद आजूबाजूना वेपारीओ तेमज स्थानिक लोकोने मळता पीटरना स्वभावथी खूब ज लोकोमां लोकप्रियता मेळवी हती। उनाईना माळी द्वारा तेनो फूलथी स्वागत करवामां आव्यु हतु। पीटरसन ने भारत में सौथी वधु जो प्रिय होय तो चा केटलाक दुकानदारों द्वारा तेने वारंवार ऑफर कराता ते खूब ज प्रभावित थयो हतो अने फरीथी इंडिया आवे तो उनाई आवशे तेम कही आगळना प्रवासे रवाना थता लोकोमां पोताने एक छाप उभी करी हती। I'm Peter Wallace from England. I'm here in India on a motorcycle journey on a Hero Honda Splendor Plus. This is my second trip in India. I was here 4 years ago and I traveled on the buses and trains. But this time I wanted something different and I wanted more freedom. So that's why I chose to ride a Hero Honda Splendor Plus around the country. I started in Jaipur and I'm on my way to Mumbai right now and I'd like to continue right down to the south of India. I love India so much. I love the country and I love the people, the culture and the spirituality. I'm really happy to be here. I love India. I meet so many people and I see many smiling faces. I'm so excited to be in India and I think in the future I'll be back here again. This won't be my last time. So yeah, thank you very much. Thank you to everyone in India. Thank you. राकेश दुबे साथी लाइव गुजरात न्यूज वास्ता।